वैसे एक प्लेयर जिसने वाकई मैं तो कहूँगा मुल्तान सुल्तान ने उसको उसका करियर लॉन्च कर दिया है वो है टिम डेविड। और मुशी भाई कल के मैच में वो बहरहाल नहीं खेले थे, कोविड का है, और ऐसा लग रहा है कि जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं टिम डेविड आपको फाइनल में अवेलेबल होंगे बिकॉज कुछ शायद डिस्कशन चल रहा है बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड PCB। बट इनके फैक्टर के बारे में बताएं, बिकॉज एक तो उनकी बैटिंग का स्टाइल और दूसरा IPL का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल गया बिकॉज बी एस बीन अराउंड। तो सरप्राइज हुए या पहले से अंदाजा था कि इज अ वेरी डेविस्टेटिंग बैट्समैन, नाउ इज अ वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन? देखिए उसका बिग बैश में भी उसने 100 कर चुका था, आखिरी अबूधाबी जो लीग आखिरी मैचेस हुए थे लाहौर से वो खेला था तो उसमें भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। हमें उसकी एबिलिटी पे पावर हिटिंग पे तो कोई डाउट नहीं था, तो आई थिंक जब उसको सिलेक्ट किया गया वाइल्ड कार्ड से उठाया गया तो एक बड़ी एक लोगों के लिए थे कि ये इसको किस तरह उठा लिया मुल्तान सुल्तान ने, बल्कि पूरी मैनेजमेंट बड़ी क्लियर थी इस मौजू के ऊपर कि यार ही इज द गाय वो लुकिंग फॉर नंबर 6 नंबर 5 के ऊपर। तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमें वी वर लक वेरी लकी एज ए मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम लकी इसलिए क्योंकि ही इज अ वेरी हम्बल गाय, मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया अभी श्रीलंका के खिलाफ उसको ऑफर आई थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि आप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ ये 3 T20 मैच खेलें हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं, उसको सिलेक्टर से बात हुई, उसने कहा नो लेट मी इंप्रूव माई क्रिकेट, आई गो टू PSL, आई वांट टू लर्न माई क्रिकेट ओवर देयर, आई विल लर्न टू हाउ टू प्ले स्पिन एंड आई वांट टू इंप्रूव माई बॉलिंग ऑल्सो। सो आई थिंक वो इस यहाँ पे आया और इतना हम्बल लड़का है, इतना मतलब ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली वो नहीं, देर वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही स्पेंडिंग सारा टाइम हमारे लड़कों के साथ गुजारता है, हालांकि उसको कोई हमारी उर्दू की समझ नहीं आती, बट ही स्पेंड 2 hours, 3 hours इन टीम रूम जहाँ पे लड़के हमारे पाकिस्तानी लड़के खाना बैठ के खा रहे होते हैं और रिजवान सबको इकट्ठा कर लेता है सबको मैच के बाद, और वहाँ पे वो हमारी मैनेजमेंट उनको खाने का वो ऑर्गेनाइज कर देती है, और वहाँ पे बैठ के वो सबसे पहला आदमी होता है वहाँ पहुँचता है और सबसे आखिरी आदमी होता है वहाँ से निकलता है। सो ही इंट्रैक्टिंग पीपल, ही इज लर्न, मुझसे आके 2-2 घंटे बात करता रहता है बॉलिंग के बारे में, हाँ वो पूछता रहता है कि स्पिन को खेलने का तरीका यहाँ पे बताओ क्या है, क्या फुटवर्क होना चाहिए। सो ही इज अ वेरी हम्बल एंड सेम टाइम जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसके बावजूद भी उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, आई थिंक जिस तरह का उसका माइंड सेट है आई थिंक ही इज गोना गो लॉन्ग वे। बिल्कुल, जो प्लेयर अपने आप खुद ज्यादा बेहतरी करना चाहे, वो ज्यादा मिंगल इन करे, वो आपको प्रोग्रेस करता हुआ बिल्कुल दिखता है।